नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। देखो, अगर आप जजमेंट की वीडियो सर्च कर रहे हो कि कार में बैठने के बाद जजमेंट कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, मैं जजमेंट की वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप जजमेंट की वीडियो सर्च करने आए, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। अब बात कर लेते हैं। देखो, जजमेंट लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, दूर के जजमेंट में होती है और पास के जजमेंट में होती है। दूर के जजमेंट में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होती है, पास के जजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट आपके पास टाइम मिल जाता है, आप स्टेयरिंग को स्टेयर करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पास के जजमेंट में आपको अपनी गाड़ी की लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरी गाड़ी 5 फुट की है, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है वो 2.5 फुट का होता है। ये जो टेप देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल सेंटर में मार्क करी है। हर गाड़ी में होता है, आप भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो पॉइंट मार्क करा है, ये इन दोनों के बीच का है, बिल्कुल बीच का, सेंटर का, यानी कि 2.5 फुट के बीच का आप मेज़र करके मार्क कर सकते हो। अब चलो चलते हैं वीडियो पे, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जजमेंट इनसे कैसे लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से देखो राइट का ले रहा हूँ। ये टेप थोड़ी सी हट गई है, लेकिन ये टेप यहीं पे लगी है, ऐसे इजीली निकाल लेंगे। और सेकंड गियर गाड़ी में लगा दिया है। फिलहाल थोड़ी सी गलियों में चल रहे हैं, थोड़ा सा मेन रोड पर भी जाएंगे, धीरे धीरे चलते हैं और बात करते हैं जजमेंट की। तो दोस्तों, इन पॉइंट का काम क्या है, इन पॉइंट का काम है, बाई चांस अगर आप मेरी वीडियो पे रेंडमली आए हो, न्यू हो मेरे चैनल पे, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट की। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, लेफ्ट साइड का जजमेंट होता है। जितनी भी गाड़ियों के बम्पर उखड़े हुए आप देखोगे ना, वो लेफ्ट साइड में देखोगे, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर बात करें जजमेंट की, तो राइट साइड का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि राइट साइड आप बैठे होते हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि आप कहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, लेकिन लेफ्ट का अंदाज़ा नहीं हो पाता, बिकॉज हम डायगनली क्रॉस देखते हैं। तो ये मिडल पॉइंट जो है, जैसे अब दूर वो टम्पू खड़ा है, ठीक है, उससे इतनी दूर के ऑब्जेक्ट का हम इससे रेफरेंस ले सकते हैं मिडल पॉइंट से। देखो, आराम से गाड़ी निकल जाएगी, मैं कुछ भी मूव नहीं करूँगा गाड़ी को, ना इधर ना उधर, ईजिली गाड़ी निकल रही है। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपके बोनट के आसपास आ जाता है ना, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर करना येलो, यानी कि ये पॉइंट आपको कहाँ पे कंसीडर करना है, आप सोचो कहाँ पे करना है। ये करना है आपको ट्रैफिक में, या फिर बिल्कुल पास पास बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, या फिर गलियों में जब आप बिल्कुल एज टू एज पे आप निकालना चाह रहे हो गाड़ी, तब आपको यूज़ करना है। अब हम चलेंगे आगे से जजमेंट दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने जो इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट ज़रूर कर देना कैसी वीडियोस देखनी है, बता देना। अब देखो, ये पास का ऑब्जेक्ट है। अब देखो, मैं येल्लो पॉइंट निकालूंगा तो गाड़ी मेरी निकल जाएगी ईजिली, ठीक है। थर्ड गियर लगा दिया, फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है। ये देखो, जिसको जल्दी है जाने दो, आप प्लीज़ जल्दी ना करें कभी भी गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि गाड़ी चलाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको निभानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, रोकनी पड़ी है, कोई बात नहीं, रोक लो, कोई इशू नहीं है, आराम से गाड़ी को चलाओ। अब देखो, ये येलो टेप से बाहर है, तो आपकी गाड़ी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट में रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और आप राइट साइड से देख सकते हैं आपका राइट वाला टायर कहाँ चल रहा है। ORVM में आपको बिल्कुल पता लगता रहेगा। अब जैसे ये वैगन आ रहा है, ये देखो, येलो, पहले रेड पॉइंट से लिया फिर येलो से लिया, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा, अगर येलो और रेड के बीच में अगर आ रहा है, तो आपकी गाड़ी खतरे में है, थोड़ा सा आपको स्टेयरिंग राइट में टिल्ट करना पड़ेगा। अब ये भाई साहब खड़े हैं, बाइक वाले, देखो ईजिली येलो टेप निकल गई, तो गाड़ी अपनी निकल गई। अब ये आ रही है गाड़ी, पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो येलो टेप निकालेंगे और गाड़ी को इजीली निकाल लेंगे। येलो टेप को याद रखना, पास जितना ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो येलो टेप काम करेगी, ये वाली काम नहीं करेगी, ये वाली सिर्फ दूर के लिए काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना गाड़ी चलाते हो जब। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको
99% जजमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, 1% जो है वो आपको ड्राइविंग चलाने से क्लियर होगा, जब आप ड्राइविंग करेंगे लगातार प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो राइट साइड का जजमेंट लेके निकालते हैं, ये देखो इजीली गाड़ी निकलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉइंट से हम लोग जजमेंट लेंगे, अब लेफ्ट का लेते हैं, चलो ये वाला पॉइंट ही ले लो क्योंकि वो गाड़ी दूर है, दूर गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों आगे अब ये ई रिक्शा जा रहा है, मैं आपको इसके क्लोज निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाड़ी चल रही है, आपको आपको लग रहा है ये पॉइंट निकल गया, पर ऐसा नहीं है, आपके ऑब्जेक्ट वो आपके पास हो गया है, तो आपको गियर भी चेंज करना पड़ेगा और येलो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। राइट में भी देखते रहिए, येलो पॉइंट निकालो और गाड़ी आपकी निकल गई। ठीक है, ऐसे करना है आपको, हॉर्न बजाते रहो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ हॉर्न ज़रूर बजाओ, संकोच मत करो, क्योंकि आपके एक हॉर्न से कोई एक्सीडेंट होने से बच सकता है, किसी की जान भी बच सकती है, ये बात ध्यान रखना। बाकी राह चलतों पे ये एक्सपेरिमेंट ना करें, इंसानों पे ना करें, क्योंकि आपका जजमेंट गलत भी हो सकता है, बिकॉज आप अलग तरीके से जजमेंट ले रहे हैं। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है जजमेंट लेने की, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो ये पंच खड़ी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पंच के पास से, यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे। और अब ये जजमेंट देखो फेल कैसे होता है, जो मिडल पॉइंट जजमेंट है ये फेल है, यहाँ पे कैसे फेल है ये देखो। अब गाड़ी निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है आपकी गाड़ी सट जाएगी, आपको ओवर स्टेयरिंग राइट में काटना पड़ेगा, येल्लो पॉइंट निकालना पड़ेगा, अब आपकी गाड़ी निकल चुकी है। समझ में आया आपको, ऐसे आपको जजमेंट पास का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे आप ऐसे जजमेंट करेंगे। जब आप ऐसे जजमेंट करने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक टाइम के बाद ये रेफरेंस पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी गाड़ी इजीली चला सकते हो। और अगर आप न्यू हो तो फिर तो भाई आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है, जजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाता हूँ। बाकी कोई और आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, वो वीडियो भी बन जाएगी। अब देखो ये रेड टेप पे है, मुझे लेकिन यहाँ पे येलो टेप ही देखनी है, अगर मैं येलो टेप नहीं देखूँगा तो गाड़ी मेरी सट जाएगी, इसलिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं निकाल पाऊँगा, स्पेस नहीं है आगे इतना। बाकी आप 3 और 10 और 2 की पोजीशन पे हाथ रखो, उससे भी आप जजमेंट ले सकते हो। जैसे ये फिंगर है मेरी, ठीक है, यहाँ पे आपने हाथ रखा है, ये फिंगर है, अगर ये फिंगर, जैसे ये फिंगर सीधी मेरी उस निशान पे ही जा रही है, तो इससे भी आप जजमेंट ले सकते हो, ये भी एक अलग तरीका है अगर आप मार्क नहीं करना चाहते हो तो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो देख लेना और बाकी वीडियोस भी देख लेना यार, अच्छी लगी हो तो। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जजमेंट की वीडियोस आती रहेंगी, आपकी ड्राइविंग इम्प्रूव करती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।